नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। काफी पैसा तो कमाया पर अब इज्जत गवा दी। वो लड़कियों को अपने पास बुलाता और फिर उन्हें नशे की आदि बनाता। हसीनाओं को इतना नशा करवाता कि वो सुध-बुध खो दे और फिर उनसे वो काम करवाता जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जैसे प्यासे को कुएं की तलाश हमेशा रहती है, वैसे ही लड़कियां भी इसकी आदि हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये नशा आदत से जरूरत बन गई और इसी जरूरत का फायदा तो उठाया और जरूरत को पूरा करने के बाद वो उन लड़कियों से वो काम करवाता जो बेहद ही शर्मनाक है। इंदौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इंदौर में सागर जैन सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस के गिरफ्तारी के बाद ये घिनौना मामला सामने आया। विजयनगर पुलिस ने सागर जैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर छिपा हुआ था। आरोप है कि सागर बांग्लादेश से अगवा की गई लड़कियों को पहले मुफ्त ड्रेस देकर उन्हें नशे की आदि बनाता, इसके बाद उनकी मदद से सेक्स रैकेट चलाता। फिलहाल मामले की तह तक जाने के लिए DIG खुद उससे पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सागर जैन ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि उसके संपर्क में 15 से ज्यादा लड़कियां हैं। शुरुआत में वो लड़कियों को फ्री में ड्रग्स मुहैया कराता था, लेकिन बाद में इसके लिए मोटी कीमत वसूलने लगा। पुलिस पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि वह लड़कियों को ड्रग्स इसलिए देता था ताकि वो स्कैंडल को छोड़कर ना जाए। आपको बता दें, सागर जैन पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। इंदौर पुलिस को पता चला कि वह अपने गर्लफ्रेंड के दिल्ली वाले घर में छिपा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और विजयनगर थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सागर जैन को इस गंदे काम के लिए सजा तो मिल गई, लेकिन जितनी लड़कियां की इसने जिंदगियां बर्बाद की है उनका क्या? इसलिए आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं ताकि जितनी भी लड़कियां नशे करती हैं वो समझ जाए उनके साथ भी ऐसा कभी जरूर हो सकता है। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें VK न्यूज़।